मेरी कोई नहीं सुनेगा, एक टीचर की इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि उनको लगता है कि हम तो बुला रहे हैं, हम तो लाए, हम टेक्निकल लोगों की कोई नहीं सुनेगा, वो आपकी सुनना चाहता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो आओ। हम हवा में भी बोलेंगे, हम इसके वो निकालेंगे कि रीजन निकालेंगे कि क्यों ये गलत है, रीजन निकाले। yes, अब आपने देखा, आपने अभी एक आईसी पढ़ी जिसमें मैंने तकरीबन 8 लाइन बताई, कितनी लाइन बताई, बताई। yes, और ये 8 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? yes, नहीं होती तो बताता क्या? yes, दो कौन सी रीजन, दो आईटीसी, चार ये बताई। आप चलो बोर्नियो में देखते हैं, बोर्नियो में क्या है, आओ पता कर चल जाएगा ना भाई। बोर्नियो में, बोर्नियो वाले वो बच्चे बोलते हैं लीगली बुलाते, हाँ हिंदुस्तान में हमारे टेक्नीशियन बोलते हैं कि भाई बोर्नियो में सब कुछ है, चलो आओ उनका नॉलेज दिखाता हूँ मैं कितना है। तो हम यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो देखेंगे और रेडमी नोट 5 प्रो ही ले लेते हैं, 7 प्रो ले लो कोई भी ले लो, रेडमी नोट 5 प्रो। और यहाँ पर स्पीकर में जाएंगे, स्पीकर और माइक को ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि बोर्नियो ने इस 42 बॉल के आईसी में कितना बताया है। हमने तो बहुत कुछ बताया है, हम इन्हें कितना बताया, माइक स्पीकर में जाएंगे, आओ देखें क्या हम ये देखना चाहते हैं। उन्होंने I2S बताया है, देखते हैं ना क्या हम I2C बताया है, क्या वो क्या बता रहा है, रिसेट बता रहा है, इंटरप्रेट बता रहा है, क्या बता रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा आईसी है, इसको जूम करेंगे, यहाँ पर इसको जूम करेंगे। अब इसको जूम में इसके हिसाब से तो सर बहुत सारे बॉल को बता ही नहीं रहा है, बता रहा है क्या? चलो आओ देखते हैं क्या क्या बता रहा है। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये स्टार्ट लाइन, ये स्विचिंग, ये बीबैक क्लियर है, और ये जो लाइन है ये VDD है, क्या ये लाइन कैपेसिटर में जा रहा है ना, ये लाइन देखो ऊपर भी देखो, तो यहाँ पर एक VDH हो गई और एक हो गई VDD 1.8 वोल्टेज की, कितने वोल्टेज की दिखाता हूँ। तो ये देखो ये 1.8 दिख रहा है यहाँ पर, पावर से आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं क्या बता रहा है, आओ देखे, तो दो चप्पल जा रही है, दो चप्पल ये जा रही है ना आउटपुट, आउटपुट। अब उसके बाद बची केवल ये दो लाइन, एक पिंक कलर की और एक येलो कलर की, ये दो लाइन बची। आओ देखे ये दो लाइन कहीं की बचा, देखो फिर से बोली, नहीं इस देखो ये लाइन हो गई स्विचिंग की, ये लाइन किसकी हो गई, ये हो गई आपकी दो स्पीकर आउट येलो और ब्लू दिखाई दे रहा है, ये VDD, अब बची पिंक और ब्लू। तो पिंक और ब्लू कहां जा रहा है, तो पिंक ब्लू में लिखा हुआ है INT और रिसेट, तो ये तो कहां जा रहा है, CPU। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या नहीं है, कितनी लाइन, कितनी, छह, कौन कौन सी सर, VDD, RST, RST इंटीग्रेट, SDL और I2S। तो इसमें क्या नहीं है, I2S और मुझे बताओ, चलो तुमने उन यूट्यूबरों को सुन लिया होता और तुम सोचते हाँ ये तो सही कह रहे हैं, भाई हमारा दोस्त है दुकान वाला आदमी बोला बोर्नियो से सीखते, तो क्या ये सेट बना पाते? एंडलेस, एंडलेस क्या होता है, जिसका जो आखिरी पॉइंट कौन सा है, जवाब सर, लास्ट जवाब, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये जो वीडियो बनाते हैं ये बोलते हैं बोर्नियो में सब कुछ है क्या, अधूरा क्या है। तो आप बताओ आपने यहाँ आकर डिसीजन गलत लिया कि सही लिया है, किस किसने सही लिया है? अभी आपने इतना मेरे से सीखा, अब आप प्रैक्टिकल भी करने वाले हो, ठीक है भाई। मुझे बताइए अगर मैं ऑडियो आईसी की बात करूं, यहाँ पर हमने पूरी लाइव ऑडियो आईसी बताई है यहाँ पर, तो इन ऑडियो आईसी का पूरा पैक लाइन सबको GR VR बताया, किस किस को आएगा जल्दी बताओ, कौन कौन चेक करेगा, तो दो वोल्टेज चेक करेंगे, चार और एक 1.8, चार, ये नॉर्मल, ये कौन सा ऑडियो है, नॉर्मल ऑडियो PA, यहाँ स्मार्ट PA क्यों नहीं है, इसलिए इसके अंदर इस कमांड के रूप में केवल आपका NP और IN जाएगा, NP और IN वो भी चेक नहीं करना है, तो इसमें ले देखे कमांड चेक ही नहीं करना है, यहाँ तो सिर्फ दो ही लाइन चेक करनी है, एक इनपुट और एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट, पर स्मार्ट PA पूरा CPU के साथ काम कर रहा है, सिर्फ आप 8 लाइन चेक करनी है। तो मेरे को एक बार दोहराओ, रिसेट, इंटरप्रेट, I2C,
चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जाओ और जीरो जिससे डाटा जा रहा है, ये सिस्टम है जो आपको सब मेंटेन कर रहा है, और ये क्लॉक है जो स्पीड बना रही है। मेरे भाई स्मार्ट पीए दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? पक्का? यस सर। एंडलेस? यस सर। सीपीयू कब निकालना है? क्लियर है? यस सर। चलो एक बार यहाँ पर जूम करिए, एक बार मुझे बताओ, अगर ये स्मार्ट पीए है और यहाँ जीआर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? सबसे पहले लेआउट में जाकर आरईसी, आप चाहो तो यहाँ पे आरईसी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैंने बोला था ना आरईसी लिख रहा है, आरईसी लिखो। ये देखो क्या आ गया, जल्दी बताओ। रिसीवर, अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आरईसी लिखो। हालांकि यहाँ बोर्ड का आपको लेआउट देखना है कि मेरा रिसीवर कहाँ लगा होता है। अब ये रिसीवर लिखो, अब इसमें सबसे पहले दो टीवीएस डायोड लगे हैं। क्या लगे? चलिए बताओ, टीवीएस। तो टी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना, ना टी लिखा है ना टी आर लिखा है, इसलिए वहां पर स्कॉटी डायोड लगा है। कौन सा डायोड लगा है? इसलिए सिर्फ ईएसडी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? पर सिंबल आपका बाय डायरेक्शनल डायोड का है। किसका है बोलो? हाँ, तो ये जो डायोड है इनको हम कब निकालेंगे? जल्दी बताओ, जब ये बीट एक जन बोलो, जब बीप हुआ, जब बीप नहीं, और उसके अलावा बीप तो शॉर्ट होगा, अप डाउन, जी आर, लीकेज, क्योंकि लीकेज और ग्राउंड, लीकेज और शॉर्ट केवल ग्राउंड के साथ होता है। दिमाग में रखना, लीकेज और शॉर्ट किसके साथ होगा? सीरीज में लीकेज नहीं होता, और सीरीज में शॉर्ट चल जाएगा, शॉर्ट बजाने में चल जाएगा, खुल जाएगा, शॉर्ट नहीं होगा। रजिस्टर का भी शॉर्ट नहीं होता, कैपेसिटर सीरीज में कभी शॉर्ट होता नहीं है, और जो कैपेसिटर सीरीज में रहेगा उस पर कभी वोल्टेज आते नहीं है। तो दिमाग में रखना, अगर शॉर्ट और लीकेज हो रहा है तो मतलब उस लाइन पे कोई ना कोई कॉम्पोनेंट कैसा लगा हुआ है? पैरेलल। कैसा? पैरेलल। तो इसके बाद तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक दो पैरेलल और एक बीच में। और अगर मैं बात करूं दो जीरो के, क्या लगे हुए हैं? अब यहाँ पे गोली मारो, पहली गोली पर हम देखते हैं ये। तो ये आईसी कौन सी आईसी है?
डाटा
डाटा के साथ काम करना। अब इसको ढूंढते हैं और इसको दिमाग सर एक बार में और करो चालू करो। अब एक इसको ढूंढते हैं अदान दो तो ये यहां पर इस आईसी की आईसी का नंबर बताओ यही मेन पावर के अंदर किसके अंदर बताओ मेन पावर का पूरा ऑडियो सेक्शन है क्या है बताओ ऑडियो सेक्शन है। इसके अंदर यहाँ पर कोई भी लाइन पावर की नहीं है कोई फोन को चालू नहीं कर रही है कोई सिर्फ ऑडियो जिनमें से ये जितनी भी लाइन है दान दो आप जितनी भी लाइन है ये सारी लाइन सीपीयू से आ रही है किससे आ रही है बताइए सीपीयू से आ रही है और ये सीपीयू से आ रही है एक लाइन भी मिस हुई या सीपीयू ड्रैश होल्ड हुआ तो ये ऑडियो काम करना क्या कर देगी। अब यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन पर 3 वोल्टेज आ रहे हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं बताइए 3 वोल्टेज आ रहे हैं। ये वाली लाइन पर भी आपके 3 वोल्टेज आ रहे हैं ये चेक करना है ये माइक की लाइन है इस पर चेक नहीं करना ये ऑडियो कोड है यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका किसी भी एक कैपेसिटर पर आपको चेक करना फोन ऑन कर कर कि 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं मैं चेक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर देखो 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं खींचो फोटो ये आपका मीडिया टेक का एक मिनट लिख रहे हो 6359 और ये आपका ऑडियो का पार्ट है दिस इज ऑडियो पार्ट आपका बात कर दो ऑडियो पार्ट और यहाँ पे चेक करना है ये सीपीयू का जी आर चेक करना है ये बहुत ये चेक नहीं करना ये तब चेक किया जाता है सीक्वेंस सीक्वेंस पहला सर मेरे को रिसीवर पर काम नहीं हो रहा आवाज नहीं आ रही रिसीवर चेंज कर दिया सीक्वेंस पहला फिर उसके बाद आईसी भी रिकॉल कर दी नहीं हुआ आईसी चेंज कर दी अब जब आईसी चेंज कर दी तो मतलब पैडों पर जाना है कहाँ जाना है मतलब कहीं ना कहीं आईसी को प्रॉपर पैड और पैड मतलब सप्लाई पैड मतलब तो डायरेक्ट सीपीयू में लिया जा पहला ऑलवेज वोल्टेज हमेशा वोल्टेज पहला रुकता है सीपीयू बहुत बाहर की बात है अगर कस्टमर बोल रहा है कि गिरा हुआ सेट है कैसा है तो पूरा पैड चेक करो जेस एफ सिक्स निकालो वहां देखो जी आर आ रहा है क्लियर आ एक्स एक्स इस तरह से हालांकि मैं बहुत कुछ चेक करूंगा। अब दान दो आइए एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं उस पर मान लो यहां पर जाते हैं एक और सेट लेते हैं उसमें प्रैक्टिकल देखते हैं यहां पर चालू करके देखिए तो अगर मैं यहां अरे यार इसका ये बहुत बड़ा सीन है इसमें अपडेट है कल ही मेरी इनके योगी फराज से बात हुई थी मैंने बोला इनमें अपडेट करो उसमें बहुत जल्दी नहीं तो तुम ऐसे पीछे पूछ रहे हो बोर्डियो इसलिए आगे हो रहा है कि तुम्हारे में अपडेट नहीं है मार्केटिंग में सुपर दूर की बात है। तो एक हमने सेट यहां पे ऑन किया देखो सब लोग जान दो सबसे पहले हम इसका रिसीवर आ जाना सबसे पहले कार देखो इस ये सेट जो है ये सेट है एक चालू हमेशा ध्यान रखना कभी भी ट्रेनिंग लाइव में अगर अकेले भी कर रहे हो प्रैक्टिस सीख रहे हो तो मैं लग रहा हूं सीखू तो पहले बिल्कुल ओके सेट में सीखना किस सेट में सीखना क्योंकि सारे वोल्टेज वही आने डायरेक्ट सेट में डायरेक्ट जाओगे डायग्राम से तो कभी कुछ नहीं पता चलेगा पहले पता चले कि वहां पे आता क्या है नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वहां ये चीज आ रही है कि नहीं समझ रहे हो। कई बार डायग्राम में हेलो कई बार डायग्राम में कुछ वोल्टेज लिखे होते हैं पर वो सम टाइम उसका नहीं आएगा जब आप लगा रहे हो क्योंकि हो सकता है वो कॉलिंग पर आए हो सकता है वो कोई चीज एक्टिव करने पर आए पर तुम लगा रहे हो चेक करने के लिए इसलिए हमेशा पहले बिल्कुल ओके सेट में हमेशा चेक किया जाता है तो ये सीखा जाता है। अब तो डायरेक्ट फोन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान दो अब इस फोन में अपन ऑडियो आईसी को चेक करेंगे किसको चेक करेंगे ऑडियो आईसी की रिक्वायरमेंट किसकी रिक्वायरमेंट पूरी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा हूं ध्यान देना। सो अभी क्या करेंगे सेट को निकाल लो। अब सेट क्योंकि ऑडियो आईसी इसमें कौन सा लगा है आप पहले चेक करें देखो आप लोग तो सबसे पहले इसका बोर्ड लिखेंगे इसमें कॉलकम लगा हुआ है क्या लगा हुआ है कौन क्या करे पहला आईसी आईसी के अंदर आ गया मतलब ये मेरा ऑडियो आईसी है ये मेरा क्या बताओ बोलो
कर सकता हूँ निकालकर, बट मैं बोलूंगा आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करो। क्या चेक करो बताओ? तो आइए वोल्टेज चेक करेंगे, डाल दो। तो ये मेरा ऑडियो सेक्शन है और इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए तो भैया सबसे पहले हम चेक करेंगे इस कैपेसिटर पर, देखो एक बार मैं बता दूं उसके बाद मैं चेक करूंगा। इस कैपेसिटर पर कितने वोल्टेज चेक करेंगे बताइए? इस कैपेसिटर पर कितने वोल्टेज? 1.8। और फिर इस वाले कैपेसिटर पे कितने वोल्टेज चेक करेंगे? 2.0 वोल्टेज। याद है ये तब तक, ये जब तक नहीं आएंगे तब तक आप सेट ऑन नहीं करेंगे। इसको लाने के लिए कॉलिंग या कोई गाना बजाने की जरूरत नहीं है, तो ऑडियो की रिक्वायरमेंट है, वो तो इनपुट है, ये ऑडियो का इनपुट है। ऑडियो का क्या है? और यहाँ पर
ये पंजा ले लूंगा, यहाँ पर ये मेरा आईसी लगा हुआ है, देखो ये मेरा आईसी है, ये मेरे स्पीकर है, स्पीकर पॉजिटिव स्पीकर निगेटिव, इसमें दो टीवीएस डायोड क्या लगे हैं, यहाँ पर दो एनएफ रेजिस्टर लगे हैं, दो कैपेसिटर लगे हैं और दो चप्पल क्या लगी है, और ये मेरा आईसी है, ये 9 वोल्ट का आईसी है, कितने वोल्ट का आईसी है, ये 44 कोडिंग की। सो हाउ आर यू डूइंग फैमिली, मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है, आप देख रहे हैं एसआई टेलीकॉम की लाइव क्लासेस। भाई अगर एसआई टेलीकॉम की इमरजेंसी बैच को अटेंड करना है तो 14 जनवरी की क्लासेस है, आ जाओ। मैं 4-5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आप इमरजेंसी पर काम कर रहे हैं पर इमरजेंसी चेंज नहीं बन पा रही है, या इमरजेंसी चेंज करने के बाद सिक्योरिटी रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, या इमरजेंसी चेंज करने के बाद डुअल आईएमई नहीं बना पा रहे हो, या फिर इमरजेंसी चेंज करने के टाइम पे या इमरजेंसी पे काम करने के टाइम पे सेट डैट कर रहे हो और फिर उसको ऑन करने का तरीका नहीं पता है, या फिर फाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, या ब्लैक टेस्टेड करने में अभी भी डर लग रहा है, या बात करें ड्यूअल लेकर में 5 में से 1 बन पा रहा है वो भी तुक्के से, तो एसर टेलीकॉम का 14 जनवरी का बैच अटेंड करो। और एसर टेलीकॉम में एमडी सर को कॉल लगाओ 7000731192 और 9944139972 पर, आपको नंबर मिल जाएगा हमारे इन्फो में और ये लाइव चल रहा है। मेरे साथ में 28 जनवरी बैच के स्टूडेंट यहाँ पे दिखाइए, मुझे बताइए अभी तक का ऑडियो में कैसा लगा आपको, ऑडियो का सेक्शन बताइए।
सर मान लो सारे कैपेसिटर एच एस है, तब भी तुमको हर कैपेसिटर पर जितने भी लगे हैं किसी भी एक कैपेसिटर पर तुमको कितना वोल्ट चेक करना है, क्योंकि ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो दीपक सर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाले सेट में सबसे आखिरी में चेक करेंगे, हम पहले इस वाले सेट में चेक करेंगे और फॉल्टी बाद में, पहले हम पूरा एक होगा। अब देखो यहाँ पर भी रिंगर है पर ये 9 बॉल से बड़ा है, 9 बॉल से बड़ा है, ये 16 बॉल का है, कितने बॉल का है? हाँ तो हम 9, क्योंकि ये भी पर ऑडियो पी है, ऑडियो ऑडियो पी के रिकॉर्डर में चेक करेंगे। मतलब अब हम यहाँ पर डीसी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बताइए? डीसी चेक करेंगे। और अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं 4 वोल्टेज कहाँ चेक करूँ? सबसे पहले तुम्हारे इस पर, अगर मान लो सब ये और ये नहीं होता, सब छोटे होते तो सब पर चेक करता, क्योंकि मुझे तो 4 वोल्टेज पहले आईसी का बगल में चाहिए। तो यहाँ पर चेक करूंगा कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ चेक करूंगा कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर आनेगा, यहाँ चेक करूंगा यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि अंदर आ रहा हो पर एटलीस्ट बाहर आ रहा है। क्या रहा है? ध्यान देना, ये फोटो खींचो एक, किसी भी रिंगर आईसी के बिना उतारे आपको 2 वोल्टेज चेक करना है, फिर आईसी उतार के चेक करना है। पहला आईसी के पहले बगल में चेक कर लो, क्योंकि अगर भारी कहीं नहीं आ रहा है तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि हमें इसको 4 वोल्टेज देना है। समझ रहे हो? ध्यान देना। तो सर मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी आईसी में आप उतरने से पहले, रिंगर आईसी में अगर उतरने से पहले आप 2 वोल्टेज किसी भी, मतलब किसी भी रिंगर ऑडियो में, किसी भी रिंगर ऑडियो में आप उतरने से पहले 2 वोल्टेज चेक करना है। पहला देखो ये रिंगर है और ये कोई भी रिंगर होगा, पर इसका क्या होना जरूरी है? ऑडियो पीए। तो 2 वोल्टेज चेक करना है, एक उसके कैपेसिटर पर पहला, जिसको हम बोलेंगे इनपुट वोल्टेज, क्या बोलेंगे? कितना? और दूसरा वोल्टेज चेक करना है जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, और वो होगा एक्टिव वोल्टेज, जिसको हम ईएम बोलते हैं, और ये कितना होना चाहिए जो मैं बताऊं। और ये और वाला वोल्टेज कभी आता है जब क्या होता है? ध्यान देना। इसके बाद आईसी को रिमूव करना है, इसके बाद किसको रिमूव करना है? और फिर आईसी के सारी टाइमलाइन चेक करना है। अब ध्यान दो, 2 वोल्टेज तो 2 में से 1 हो गया, कौन से नंबर पे आ रहा है? A2, कौन सा नंबर पे आ रहा है? A2, बनाओ उसको जल्दी से कॉपी में पहला। और यहाँ पर इनपुट के आगे लिख दो VDD, यहाँ पर इनपुट के आगे लिखो A2, और ये डन कर दो। Yeah.
आपको ये चेक करना है आईसी के किसी भी एक पैच से यहाँ पर भी और किसी एक पैच से यहाँ पर भी बन जब बोलो और ये आईसी कौन सी आईसी है ऑडियो आईसी है। अब देखो इसको ब्रेक डाउन से बता रहा हूँ सब लोग देखिए तो सर एक मिनट पूछो पूछो सर ये तो यहाँ पर तो दो लाइन आ रहे हैं इनपुट के ये तो स्टीरियो पर हो गया तो यहाँ से सीपीयू से एक कनेक्शन आ रहे हैं नहीं आ रहे तो इस पे तो दोनों कनेक्शन एक साथ लगा के हो जाएगा ना। मतलब मैं फिर से बोलना फिर से मैं समझा नहीं पूरा बोलो यहाँ पर तो इसी पे से दो कर पावर ऑडियो से दो आ रही है तो यहाँ पर स्टीरियो पर है ना लाइन तो यहाँ से पावर आई से एक कनेक्शन आ रहा है एक नहीं आ रहा है वो यहाँ हमारा स्पीकर में तो नहीं इसको हम दोनों ही बनाना पड़ेगा सिंगल नहीं बना सकते यहाँ पे कुछ बाईपास नहीं कर सकते समझ रहे अगर इनपुट बी है तो इनपुट एन भी चाहिए यहाँ पर। अच्छा देखिए अब यहाँ पर ये इनपुट बी और इनपुट एन इसको बाद में पढ़ाऊंगा इसके बाद ये छोटा बॉल का आईसी है तो यहाँ से कंट्री डी करेंगे बी पुट पे लाओ। अब नोटिस करो ये कैपेसिटर भी चप्पल जैसे लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये इसके साथ और ये इसके साथ ये ए वन और ये ए टू है वहां पर देखो ए वन ए टू पे आ रहा है ना कमांड ये इसके साथ आएगा यहाँ पर भी ये कैमरा ठीक करो प्यारे जब यहाँ पर करो ठीक करो यहाँ पर तो ये देखो ये ट्रैक भी बनी हुई है ना सीधी सीधी ये इसके साथ और अच्छे से ठीक करो सर यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर भी पाएगा यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये तीन के का रजिस्टर है कितने के का रजिस्टर है फिर इसके बाद ये यहाँ पर भी पाएगा और फिर इसके बाद यहां से लेकर आईसी पर भी चेक करना है कहाँ चेक करना है आईसी पर पढ़ना है कि कहाँ ये यहाँ पर भी पा रहा है तो आईसी पर भी चेक करना है उसके लिए आईसी के अंदर तक जाना पड़ेगा। देखो मैं आईसी के अंदर जाता हूँ सब बता दो इसलिए एक बार इसको समझा रहा हूं पर इसको चेक करना ही मत ये बहुत रेयर होता है सीधे क्योंकि डायरेक्टली पर्सन जो वोल्टेज रुकते हैं क्या रुकते हैं वोल्टेज ये ट्रैक है अगर सब फ्रेस मॉडल है सारे कॉम्पोनेंट लगे हैं तो मत करना पर अगर कॉम्पोनेंट टेढ़े मेरे लगे हैं तो समझो कि किसी ने वहां कॉम्पोनेंट चेंज किए हटा दिए तो इसको क्लिक किया ये देखो ये लाइन आउट ये आईसी के कौन से नंबर पे आ रहा है जल्दी बताओ और ये मेन पावर है कौन सी पावर है बताओ क्योंकि यहाँ पर ना डब्ल्यू सी डी लगी है ना पी एल एल इसे पावर आईसी के अंदर है किसके अंदर है अब इसको एक बिट मैप से समझो अगर मैं बिट मैप से समझाऊं इसको नोटिस करो तो बिट मैप से ना इसका कनेक्शन समझ में आएगा बिट मैप पर गए और अगर मान लो ये चेक करना है साउमी के अंदर गए रेडमी नोट 4 क्लिक किया रेडमी नोट 4 क्लिक किया क्लिक किया बिटमैप ओपन किया। अब देखो बिटमैप क्या करता है ये किया यहां पर एक रेड लाइन खुली हुई है तो यहां पर इसको ऑन कर देना है ये ऑन होने देता ठीक है। अब देखो अब क्या करना है पहले तो अपन इस आईसी पर चले जाए यहां पर ये देखो ये चप्पल है ये आउटपुट में लगी होती है ये कनेक्शन बता रही है अब इस लाइन को हम ऑन कर देंगे यहां से तो यहां पर ये एक लाइन पूरी बना देगा लाइन ऑन करने से ट्रैक दिखता है तो ये मेरा A1 है। सो देखो A1 मेरा एक रजिस्टर के साथ हाई वैल्यू फिर उसका पैड कैपेसिटर के साथ फिर वो जाएगा सीधा ऑडियो आईसी के अंदर किसके अंदर बोलो ऑडियो आईसी के अंदर तो आपको सिर्फ ये ट्रैक ही चेक करना है यहां पर क्या चेक करना है फ्रीक्वेंसी नहीं चेक करना है क्योंकि वो आईसी लगाने के बाद ही आता है। सो दिमाग में रखना तो अभी दूसरे नंबर पे कमांड ये किस पे आ रहा है यहां पर A1 और C1 किस पे आ रहा है जितने भी नौ बोल होंगे उसमें किस पे आएगा बना उसको और ये भेज दो उसको यहां पर OL है यहां पर केबल लिख रहा हूं क्या चेक करना है बोलो ट्रैक क्या चेक करना है ना कोई GR ना कोई वोल्टेज सिर्फ ट्रैक दो आईसीओ के बीच का केवल ट्रैक पहले बोल रहा हूँ हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं जब हम ये दोनों आईसी लगा दें जब ये आईसी लगेगा ये आईसी भी सेंस करता है तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तभी चेक करेंगे जब ये भी लगी होनी चाहिए तब ये भी होनी चाहिए तो ये कैपेसिटर में चेक कर पाएंगे फिर किस पे चेक कर पाएंगे कैपेसिटर में तो फ्रीक्वेंसी खराब होती है फ्रीक्वेंसी इसमें ऑडियो आईसी ऑडियो खराब होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी और ऑडियो खराब कैसे होगा ऑडियो के साथ कोई कैपेसिटर लीकेज हो गया कैपेसिटर शॉर्ट हो गया आईसी का खराब होना जरूरी नहीं है आईसी के साथ जो जो
समझाने के लिए बताया है, आप जब भी प्रैक्टिकल अटेंड करें तो ये ट्रेसिंग जरूर कर ले, पर इसको यहाँ पे ना वोल्टेज जोड़े ना फ्रिक्वेंसी जोड़े, और ये भी बहुत रेयर केस में बनता है, ये बनता ही नहीं है, ये आज तक नहीं बनाया होगा किसी ने, ये तभी बना होगा जब किसी टेक्नीशियन ने आगे बगल के सारे कंपोनेंट, इसकी डाटा शीट की फोटो खींचना एक बार, तो वहां पर डाटा शीट चाहिए इसका, तो हम इसका कोई दूसरा ही डायग्राम निकालेंगे, ये हमारा नोट फोर का डायग्राम है और हम फाइल में काम कर रहे हैं, फोटो खींचो इसका डाटा शीट का, ये आपका 14 मैं लिख देता हूँ नीचे अंदर, ये आपका K318IC है, इसका नंबर ये है K318IC, और ये आपका कौन सा ऑडियो है, ऑडियो PA स्मार्ट में। अब देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे, यहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे, अब ध्यान देना, ये छोड़ देना, ये मैं सब बताऊंगा, ये वाला तो ग्राउंड आ रहा है, मतलब ये कचरा वाला लाइन है, कौन सा लाइन है, कचरा, ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड आ रहा है, और ये इनपुट का है, ये ऑडियो सिर्फ इसके साथ केवल क्या आएगी बताओ, और ये ग्राउंड है, और ये आउटपुट दे दिया, क्या दे दिया है, उसको बनाए हम जब आईसी लगाएंगे तो बाहर हमें जीआर मिलना चाहिए 300 से 1800, कितना मिलना चाहिए बोलो, 300 से 1800 डाल दो, ये आउटपुट है, तो यहाँ हमारा है, हमारा यहाँ पर जो पैड है, यहाँ पर मैं माइक स्पीकर इंडर, अब देखो ये माइक स्पीकर इंडर पे टिक करेंगे, अब हमारा यहाँ पर खुल जाएगा, अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि बोलियों में कितना बता रहा है, क्या नॉलेज दे रहा है, तो हम ये रिंगर आईसी बजाएंगे, अब देखो बोलियो तो इतने सारे पैड को कुछ भी नहीं बता रहा है, बोलो यस सर, कुछ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, तो चलो वो मेरा काम है बताना, तो भैया बोनियो क्या क्या बता रहा है, दो बैंड जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपका है VDD वाला बैंड, कौन सा बैंड, ये EN वाला, कौन सा, ये चप्पल में जा रहा है, किस में जा रहा है, और ये इनपुट वाला है, कौन सा वाला है, बस इतना बता रहा है, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो बोनियो क्या क्या बता रहा है, ध्यान दो, तो बोनियो इनपुट बता रहा है, क्या बता रहा है, बोनियो एक ये इनपुट फ्रीक्वेंसी वाला इनपुट है, कौन सा वाला है, और ये इनपुट वोल्टेज वाला है, कौन सा वाला है, और ये एक्टिव है, क्या है, EN, और ये आउटपुट है, क्या बताओ, सिर्फ इतना बता रहा है, मतलब सिर्फ इतना बता रहा है, फोटो खींचो, इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, और एक्टिव मतलब EN, और सिर्फ आउटपुट, तो सर ये बात तो बाकी कोई नहीं बता रहा, नहीं बता रहा भाई, क्या करें, तो भाई सिस्टम आपको बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत से लोग ऐसे बैठ गए जो बोनियो बना रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं बोनियो गलत है मत पढ़ो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि सर बोनियो तो कोई भी बना सकता है, बात तो सही है, क्योंकि आप आधा अधूरा बता रहे हो, मैंने कहा बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक कैशियर के पास चेक आया तो कैशियर सीधा अप्रूव नहीं कर देगा, लो भाई पैसे, वो पहले ऑथराइज करवाएगा, क्या करवाएगा, अपने सीनियर से, सर मैंने ये जो चेक किया आप एक बार चेक कर लो उसका अकाउंट, सीनियर बैंक मैनेजर से एक बार देखेगा, सर फाइनल कॉल आपका होना चाहिए, क्योंकि तब जाके मैं पैसे निकालूंगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चे ने जो बनाया सीधा अपलोड कर दे रहे, इनके ऊपर कोई भी चेक करने के लिए नहीं, टेक्निकल टीम बोला कि आई एक्सेप्ट, आई डोंट हैव टेक्निकल टीम, मेरे पास इतनी टेक्निकल टीम नहीं है, तो ये देखो ये यहाँ पर बोर्डियो वाला, देखो तो ये बोर्डियो वाले ने सेल किया था, ये देखो ये बोर्डियो वाला है रिजाल, ये इसका मित्र है, मतलब मित्र बोला ये यहाँ, ये मेरे को मिला था JNK में, मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में मिला था, और सेम होटल में रुके थे हम, तो हमारे दो तीन हमारे बस एक दो कमरों का फर्क था, तो ये और ये इसका ऑनर है, और ये इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है मुकेश राज, बोलो हाँ, तो हमारे को रिंगर आईसी किसी भी फोन में ढूंढना है और डायग्राम है तो हम B2B कलेक्टर में ढूंढेंगे, किसमें, और हमारा कोडिंग नाम क्या होगा, स्पीकर, क्या होगा, क्योंकि स्पीकर ही आउट होता है, समझ आ रहा मेरी बात, ये हमारा आउटपुट ये है, स्पीकर आउट और स्पीकर माइनस, मतलब इसको पॉजिटिव और माइनस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो दीपक से लगा लियो तो बता, अब
WIC का सप्लाई है। अब इसमें देख बहुत सारे रहे हैं पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, मैं इसी को अभी ये डायग्राम के साथ बनाने वाला हूं और इसको कुछ नहीं चेक करना है। क्या क्या कहां कहां चेक करना है, ये चेक करना है। अब लगा लिए BPH को, लग गया। अब देखो दीपक सर ने बैटरी लगाई है और अगर मुझे पता नहीं है कौन BPH बनाएगा नहीं बनाया, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 4 वोल्ट आने चाहिए। कितने वोल्ट आने चाहिए मैं भी ऑन नहीं कर रहा हूँ, ना इसमें मैं प्रैक्टिकली दिखा पाऊंगा क्योंकि सेट में ऑन नहीं है पास, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही दिखा पाऊंगा। उसके बाद सिर्फ GR बता पाऊंगा, 1.8 वोल्टेज आप चेक करना ऑन करकर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, मुझे ये सब समझना है कि कॉइल पे 4 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे बाहर, सिर्फ फिलहाल इतना। यहाँ पर आ रहे ना, तो अब और यहीं पर अब सेट को ऑन करूंगा और यहाँ किसी भी एक कैपेसिटर में मुझे क्या आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहे तो अब उसका डायग्राम ढूंढ के ये देखना है कि कौन से कैपेसिटर में 1.8 चाहिए। तो वहां पर डायरेक्ट जम्पर मार सकते हैं, डायरेक्ट क्या मार सकते हैं, सेम जैसे पहले मारा था अपन, वो उसके लिए डाटा सीट चाहिए। अब देखो इस IC का नाम क्या है, तो दीपक सर ये IC दिखाओ, सब लोग दो पहले इस IC को देखो जिसमें IC लगी, IC में एक बोर्ड है जिसमें IC लगी हुई है, दिखाओ। अब देखो इस IC के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ेंगे IC के ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि हम IC को समझ सके। हाँ भाई ये पढ़ो, 2557 बोलो, 2557। अब देखो कैसे ढूंढने का, अभी गूगल में जाने का, यहां लिखने का 2557 स्पेस IC, सिर्फ इतना लिखना, ये एंटर मारो तो यहां पर ये देखो ये IC आ गया रिंगटोन, तो ये ऑटोमेटिकली आपको IC मिल जाता है, ये IC लगा हुआ है 2557। सो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से किसी भी IC को हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर 2557 ये हमारा रिंगर IC है। क्या IC बताओ, स्मार्ट PA 2557। अब पालो में डायग्राम नहीं है, नंबर तो है ना, अब बोलो के नंबर मिट गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नंबर चाहिए। मैं किसी के सेम बोर्ड में लाओ, किसी से पूछो या किसी ऐसे से पूछो जिसको नॉलेज है, तो जैसे हमसे पूछो। अब यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा, बोर्डियो में जाऊंगा, अब तुम बताओ ना मैं क्या करूं, अब तुम बताओ ना पीछे वाले क्या करूं, मुझे IC का डाटा सेट निकालना है, 2 दिन से बता रहा हूं मैं IC, मेरे पास तो इस बोर्ड का डायग्राम नहीं है, बताया आप बाकी लोग बताओ, पीछे के लोग बताओ, हैरान करने सब मत देखो, सीखना है कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बनता आप बनना चाहिए। अगर किसी भी IC का डाटा शीट निकालना है तो कहाँ जाना है, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, PCD में जाना है। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखना है, जो भी लिखा है 2557 लिख रहा है, लिखेंगे 2557 एंटर मारेंगे, IC नहीं लिखना कुछ भी, सिर्फ नंबर लिखना। तो देखो इतने सारे सेक्टर में ये IC लगी हुई है, TAS इसका फुल फॉर्म होता है, TAS 2557। तो हम इतने सारे Xiaomi के अंदर किसी भी का डायग्राम खोल सकते हैं, यहाँ पर Samsung में भी लगी है, Nokia में भी लगी है, तो हम यहाँ पर Redmi 5 Plus का भी खोल सकते हैं, समझ आ रहा है मेरी बात, तो हम ऐसे IC का डायग्राम ढूंढेंगे। अब हमें ये IC का ये डायग्राम मिल गया, तो यहाँ पर ये IC का नंबर है, यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो का मतलब ये हुआ कि ये कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, मतलब 2557 पे 2555 लग जाएगी, समझ में आया, क्या समझ में आया, अगर IC नंबर वहां कुछ और है और उसी के डायग्राम में उसी सेट के डायग्राम में वो IC नंबर कुछ और बता रहा है, दोनों मैच है, दोनों जैसे PMI 89540 और PMI 89520 दोनों मैच होती है, क्योंकि वो कई बार कहां ढूंढ लोगे, सारे कॉइलों पर जितने भी स्मार्ट PM के कॉइल पर कितना वोल्टेज है। अब हमें बस 1.8 के लिए डायग्राम चाहिए, किसके लिए चाहिए मैं बोलता हूँ, वो भी नहीं है, आप हर कैपेसिटर पर टच करके देखना, किसी भी कैपेसिटर में 1.8 नहीं आया तो अब डायग्राम पर जाना, अब यहाँ पर कोडिंग ढूंढना, अब बताओ कोडिंग क्या है, तो मैं अभी क्या लिखा 1.8 सब लोग यहाँ पर कोडिंग देखो, ये दिखाई दे रही है,
तो यहाँ पर है सी डबल ट्रिपल नाइन वन, ये देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मतलब इस कैपेसिटर पर मुझे कितना वोल्टेज आना चाहिए बोलो? नहीं आया तो यही जो उठाकर सीधे पावर पे क्या मार दूंगा, तब मुझे आईसी उठाने की जरूरत नहीं। और अगर चल गया तो ओके, नहीं चला तब हम आईसी को चेंज करेंगे कि हो सकता है अब आईसी भी खराब हो। और अगर आईसी चेंज किया फिर भी नहीं हुआ तो अब हो सकता है कि पैड पे भी नहीं आ रहा हूं। किस पे नहीं आ रहा हूं? ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो तो इसका जब पैड लाइन पे नहीं आता हमें तो माइक्रो जंपरिंग करना है। अब देखो C6F4G6 तो अब यहां पर मैं डालूंगा, तो पहले नंबर डालते हैं तो यहां पर डालूंगा C6। सब लोग वहां पर देखो C6 पे आ रहा है, एक C6 तो ये C6 है, यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है 1.8 और एक इस पे F4 यहां पर कितना आ रहा है 1.8 और ये सब इंटरनली कनेक्टेड है पैक क्या है बताओ G6 और यहां पर भी कितना आ रहा है 1.8। तो बेसिकली मेरे को फिलहाल इतने पैड ये वाले पैडों पर खाली वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है बताओ? बोलो वोल्टेज। हाँ क्योंकि ये वोल्टेज, ये वाला कौन सा वोल्टेज है बोलो? ये आदान प्रदान के लिए। तो बेसिकली यहां पर ये चेंज करता हूं, डाल दो ये और ये तीनों के तीनों किससे आ रहे हैं बताओ? जी आर चाहिए 300 से 900 के बीच में, कितना बोलो? कहने का मतलब है 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। yes, बोलो 1000 से ऊपर। आप सब पर जी आर चेक करूंगा, ध्यान देना कैसे चेक करना है। अगर सबसे ज्यादा सबसे पहले रिसेट पे चेक करता हूं, किस पे चेक करता हूं? नंबर है G5। बोलो G5। ये फोटो खींचो एक सामने का, ये तुम्हारा स्मार्ट पीए का जी आर है और इसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं। मैं जितनी भी स्मार्ट पीए दिखा दूं सब में यही सप्लाई देखने को मिलेगी। देखो मैं इसके अलावा भी स्मार्ट पीए दिखाऊंगा, इससे कम बोलेगी इससे ज्यादा बोलेगी। तो ये तुम्हारा डाल दो, ये तुम्हारा क्या हो गया I2S और ये तुम्हारा क्या हो गया I2S और ये तुम्हारा रिसेट और इंटरप्रेट, रिसेट और इंटरप्रेट। तो बेसिकली तीन सप्लाई आती है, पहला बोलो मतलब ले देके आठ सप्लाई, कितनी सप्लाई? अच्छा देखो अगर इस फोन में देखो मेरा CPU लगा हुआ है। हेलो अब ये आईसी किसी भी तरीके से ऑडियो से कनेक्ट नहीं होती है क्योंकि ये डायरेक्ट इसी चीज के लिए इसको स्मार्ट कहा गया है। वो अभी आपको स्मार्ट बोल रही है। मेरा काम भाई यहाँ पर सपोज दो अदल है, एक अदल है और दूसरा अदल एनडी से बात ही नहीं करता, वो डायरेक्ट मेरे से बात करता है। किससे बात करता है? अब मेरे से बात करता है तो मैं उसको स्मार्ट कहूंगा। क्या कहूंगा उसको? स्मार्ट कहूंगा। उसका ऑथराइज उसका कंसर्न सीधे मेरे से है, वो मेरे से बोलता है सर मेरे को बताओ क्या करना है। अब नोटिस करो, अब अपन यहाँ पे जी आर देखेंगे तो सबसे पहले अपन जी आर किसका देखे बोलो? तुम बोलो नहीं गलत बात बोलो। तो याद रखना जिंदगी भर काम में आएगा, एक घंटा लगा दोगे जी आर चेक करने में और रिसेट का चेक करोगे एक बार भी सलूशन मिल जाएगा। 90% रिसेट ही ओपन होता है। क्या ओपन होता है? बहुत बनाए सर्किट रिसेट के नाम पर। अब देखो तो रिसेट कौन सा पैड पे है बताओ? G5। बोलो G5। चलो G5 सब लोग गिनेंगे, ये नोट कट पॉइंट है। A B C D E F G। अब 5 गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1000 से कम में जी आर आना चाहिए, किससे कम में जी आर आना चाहिए चेक करेंगे। चलो तो रिसेट ओके। अब दूसरा नंबर इंटरप्रेट INT E5। इसी से पहले D5 है। चलो D5 A B C D और इसका 5, तो ये 5 है आ रहा है। अब अगला बताओ I2G F3 और E4। तो F3 A B C D E F और ये 3 आ रहा है। E4 A B C D E 1 2 3 4 आ रहा है। जीरो जिससे डाटा जा रहा है, ये सिस्टम है जो आपको सब मेंटेन कर रहा है और ये क्लॉक है जो स्पीड बना रही है। मेरे भाई स्मार्ट पीए दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? पक्का? यस सर। एंडलेस? यस सर। सीपीयू कब निकालना है? क्लियर है? यस सर।
चलो एक बार यहाँ पर जूम करिए, एक बार मुझे बताओ, अगर ये स्मार्ट पीए है और यहाँ जियान नहीं आ रहा है तो क्या करोगे?